राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सच तो बता के रहेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों, इस समय आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ कुछ खास कोर्ट अपडेट देने के लिए। साथियों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि लगातार जब भी कोई मैसेज आता है, कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है आप सभी लोगों के लिए, तो मैं पहली ही फुर्सत में आकर के आपको बताने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो लीगल टीम है, जिनका नाम आपको पहले मैं बता चुका हूँ, जो 5 बेहतरीन लॉयर हैं, जिसमें मुकुल रोहतगी साहब हैं, सिद्धार्थ लूथरा सर हैं, उसके बाद फिर अवतार सिंह रावत साहब हैं, उसके बाद रंजीत कुमार साहब हैं, उसके बाद फिर शिव सदाशिव सर हैं, साथ ही साथ तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर इस केस में एक जबरदस्त जीत हासिल करने वाली टीम सुधाकर रेड्डी साहब और वेणु गोपाल सर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस लीगल टीम का हिस्सा हैं। तो सारे लोग लगातार इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बेहतरीन तरीके से जल्द इसमें तारीख आए, इस केस की सुनवाई हो, उसके बाद इसमें जजमेंट आए। और साथियों, आप लोग जिस तरीके से जानते हैं कि तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर जो जजमेंट आया था, इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसे दोहराया जाएगा, ऐसे हम दुआ करते हैं। और साथ ही साथ हक की जीत होगी और बातिलों की हार होगी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 कोरोना का लेकर के इस समय दिल्ली, मुंबई, केरला और कई स्टेट्स जो है काफ़ी सख्ती कर रहे हैं, क्योंकि ये महामारी लगातार फैल रही है। और इतनी सारी धाराएं 144, 188 लगाने के बावजूद भी लोग सड़कों पर निकल आते हैं और कानून को तोड़ते हैं, जबकि ये नहीं समझ पाते हैं कि ये सारी जो गाइडलाइन जारी की गई है, उनको खुद की जान बचाने के लिए कहा गया है। तो मुझे लगता है कि सबको इसका पालन करना चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 21 डेज का लॉकडाउन जब ख़त्म होगा, जैसे ही ख़त्म होगा, उसके बाद क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आती हैं सुप्रीम कोर्ट को खोलने को लेकर के, और जैसे ही इसकी करंट गाइडलाइन आएगी, जो सर्कुलर आएगा, उसके बाद कोर्टें किस तरीके से जैसे ही काम करना शुरू करेंगी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम तुरंत इसकी डेट लेने के लिए मेमो डालेगी और केस कितना अर्जेंट है इस मामले में इसको बताने की पूरी कोशिश करेगी। और जैसे ही नियरेस्ट डेट आएगी, इस मामले में आर्ग्यूमेंट होगा और इंशाल्लाह एक ऐसा जजमेंट हमें सुनने को मिलेगा कि आप सभी लोगों के चेहरे पर उसी तरीके से मुस्कान आएगी जैसे 23 दिसंबर को तेलंगाना हाई कोर्ट के सामने हुआ था। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके साथ ही साथ महाराष्ट्र की लीगल टीम भी आपा को बाहर निकालने को लेकर के पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, उसके बाद उसमें जो कुछ भी संभावनाएं बनती हैं, जो भी संवैधानिक और कानूनी अधिकार एक देश के जिम्मेदार नागरिक के लिए बनाए गए हैं कानून के द्वारा, उन सभी के माध्यम से बॉम्बे के अंदर कोर्ट के अंदर एक एग्जिबिट महाराष्ट्र की लीगल टीम ने फाइल किया है। अभी रिसेंटली 8 अप्रैल को ही फाइल किया है, यानी कल ही फाइल किया है। और साथ ही साथ इसमें इस एग्जिबिट के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट होना है वो 17 तारीख को होना है। 17 तारीख को आर्ग्यूमेंट होने के बाद 17 तारीख को ही इस मामले में फैसला आ जाएगा। साथियों, मैंने पहले ही आपको बताया है कि 409 और 406 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन में और तमाम जो प्रावधान बताए गए हैं उसी के आधार पर इस पे आर्ग्यूमेंट होगा। उसके बाद जो भी अपडेट आएगी, मैं पहली फुर्सत में मातृभूमि टीवी पर आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। और ये जानकारी मैं आपको लीगल टीम से बात करने के बाद ही, उनके द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ही मैं आप तक ये खबर पहुंचा रहा हूं। और साथियों, मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूं कि इस समय जेल के अंदर एडवोकेट्स से को भी मिलने की इजाज़त नहीं है, कोई भी किसी से भी नहीं मिल सकता। सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम कोविड-19 कोरोना को लेकर के जो भी गाइडलाइंस
केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है, उसी के आधार पर इस समय कोई किसी से मिल नहीं सकता, लेकिन लीगल टीम को बात करने की तमाम व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई हैं कि कोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं इस मुद्दे पर और तमाम बातें लीगल टीम अपने मुवक्किल से अपने बंदे से बात कर सकती है। इसी माध्यम से आपा ने एक मैसेज दिया है जो कि मैं मातृभूमि टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आपा ने ये मैसेज दिया है कि आप लोग COVID-19 नामक जो महामारी इस समय देश के अंदर फैली हुई है उससे पूरी तरीके से आप लोग एहतियात बरतें और जो भी सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसको पूरी तरीके से फॉलो करें। और दूसरी बात, आपा ने यह मैसेज दिया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो मामला चल रहा है इंशाल्लाह इसमें जल्द से जल्द कम से कम समय में जल्द जल्द फैसला आने की पूरी उम्मीद है, आप लोग भी दुआ करिए कि जल्द इस मामले में फैसला आए। अगर ये कोरोना का मामला नहीं होता तो इस मामले में अब तक अप्रैल के अंदर या मार्च के अंदर भी रिसेंटली 1 से 2 बार अब तक सुनवाई हो चुकी होती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि कोरोना पूरी दुनिया में है, सिर्फ इंडिया में नहीं है। तो आपा ने जो 2 खास मैसेज दिए हैं, पहली मैसेज ये दिया है कि आप लोग COVID-19 से आप में से एहतियात बरतिए, हर जरूरी सावधानी करिए, और साथ ही साथ जैसे ही आपा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले आने के बाद आपा जैसे ही बाहर आएंगी उनकी पूरी पहली कोशिश है कि आपकी अमानतें आप तक कैसे पहुंचे, ये उनका सबसे पहला काम यही होगा, ऐसा आश्वासन आपा ने लीगल टीम के माध्यम से दिया है। तो साथियों, जिस तरीके से आप लोगों को चिंता है, आपकी परेशानियां पूरी तरीके से जायज़ हैं क्योंकि एक तो पहले ही पैसा मिलने में टाइम लग चुका है और दूसरी बात यह है कि केस के अंदर भी पेचीदगियां फैलाने वाले लोगों ने एक लंबे समय तक केस को घसीटने की कोशिश की और डेट पे डेट, तारीख पे तारीख लेने की कोशिश की, जबकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे केरला की हो, चाहे कर्नाटका की हो, चाहे तेलंगाना की हो, लगातार हमेशा कोर्ट में मौजूद रहे, हर जगह पर उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, उन्होंने पूरा का पूरा प्रयास किया कि कम से कम समय में इस मामले का जजमेंट आ जाए ताकि जो भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर हैं उनको उनका पैसा मिल सके, उनको इंसाफ मिल सके। लेकिन फिलहाल कोई कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ तेरे अंधेर नहीं है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्ग्यूमेंट होगा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आ जाएगा, आपा ने आश्वासन दिया है कि बाहर आते ही सबसे पहले आपकी अमानतें लौटाने का काम शुरू करेंगी और जो भरोसा आप लोगों ने कंपनी के ऊपर, आपा के ऊपर बनाए रखा था उसे बनाए रखिए। आज भी जिन लोगों ने 99% 100% जिन भी लोगों ने आपा के ऊपर भरोसा किया है, आपा ने सबका शुक्रिया अदा किया है और इस मुश्किल घड़ी में भी आप लोग जिस तरीके से उनका कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके साथ दे रहे हैं इसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। तो साथियों, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं, आप लोग भी जानते होंगे कि जो कोरोना की महामारी है पूरी दुनिया में फैली है, अमेरिका जैसा सुपर पावर चारों खाने चित हो गया है, इटली जैसी जगह जहाँ पे मेडिकल की नंबर 2 की व्यवस्था पूरी दुनिया के अंदर है उसकी पूरी जो स्थिति है वो डामाडोल हो गई है, चरमरा गई है, पूरा सिस्टम डगमगा गया है। ऐसे में भारत को भी उसका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कम से कम इतना तो है कि लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और जो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग बीमारी को हल्के में ना लें। आप ये ना समझें कि वो इनको उनको तो हो सकती है लेकिन आपको नहीं हो सकती, तो पूरी तरीके से सावधानी बनाए रखें, पूरा एहतियात बरतें और आपा की जो भी 17 तारीख को जो भी कोर्ट अब कोई जो अपडेट आएगी वो पहली फुर्सत में मातृभूमि टीवी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। किसी प्रकार की पैनिक पर, किसी प्रकार की अफवाह पर आप लोग किसी प्रकार से कोई ध्यान ना दें। साथियों, जिस तरीके से मैंने आप सभी लोगों के साथ ये वादा किया है कि आखिरी दम तक मैं आप लोगों के इंसाफ की लड़ाई यूँ ही लड़ता रहूँगा, जो भी जानकारियाँ हैं वो भी बताऊँगा और जो भी पैनिक फैलाने का प्रयास करेगा
उसको तुरंत आकर के मैं काउंटर करूंगा और जो सच रहेगी, सच बात रहेगी, वो आपको बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो साथी बिल्कुल भी घबराइए मत, परेशान मत होइए, और इस समय जो कोरोना की महामारी है इसके साथ डट के मुकाबला करिए। काफ़ी लोग पैसों की परेशानियों से गुजर रहे हैं, काफ़ी लोग तमाम और परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो दुआ करिए कि इस मामले में जल्द जल्द इंसाफ मिले और आपने जो अपना वादा किया है वो उसे पूरा करके दिखाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो साथियों 17 तारीख को मैं आपको अपडेट बताऊंगा, कोर्ट अपडेट, और सुप्रीम कोर्ट पे भी लगातार मेरी नज़रें बनी हुई हैं, लीगल टीम के लगातार से संपर्क हम कर रहे हैं। और साथियों जो भी जानकारी रहेगी, जो भी खबर रहेगी, वो मैं आपको बताऊंगा मातृभूमि टीवी के माध्यम से। तो साथियों मैं आप सभी लोगों से यहीं से लेता हूं विदा, तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज। जय हिंद। एवं देश विदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए, जो खबरें आपके जीवन से रखती है सीधा वास्ता, ऐसी खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी।